धर्म कैसे बने। प्राचीन काल का मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं से बहुत डरता था। बारिश, तूफान, बिजली, आग, पानी और दूसरी कुदरती घटनाएं आदि काल के इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक थी, इसलिए वो इन सभी चीजों से बहुत डरता था। इंसान के इसी स्वाभाविक डर ने कई प्रकार के अंधविश्वासों को पैदा कर दिया। धीरे धीरे जंगली खानाबदोश इंसान सामाजिक प्राणी बनने लगा और समय के अंतराल में दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ। लेकिन जंगली मनुष्य से सामाजिक प्राणी बन चुके इंसान के पास प्रकृति की रहस्यमयी घटनाओं को समझने के लिए अब भी अटकलों के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में मनुष्य के प्राचीन अंधविश्वासों ने कई प्रकार के अनुष्ठानों का रूप ले लिया। धीरे धीरे ये अनुष्ठान बहुत ही कठोर और अमानवीय होते गए। पशुओं की बलि, बच्चों की बलि, कर्मकांडों के नाम पर तरह तरह की निर्मम प्रथाएं और इन प्रथाओं की व्यापकता ने समाज को बहुत ही संवेदनहीन और निर्दयी बना दिया था। लेकिन ऐसे संवेदनहीन समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें संवेदना बची रह गई थी। ऐसे ही लोगों ने समाज में फैली इन कुरीतियों और पाखंडों के विरुद्ध आवाज उठाई और लोगों को पाखंडों के जाल से मुक्ति दिलवाने में कामयाब भी हुए। ऐसे लोग मसीहा के रूप में लोगों के दिलों में स्थापित हो गए। दुनिया की सभी सभ्यताओं में ऐसे मसीहा पैदा होते रहे हैं और इतिहास के ऐसे ही मसीहाओं के नाम पर हजारों धर्म भी पैदा होते चले गए। कुरीतियों और पाखंडों के विरोध से पैदा हुए ये धर्म धीरे धीरे खुद ही अनेकों कुरीतियों के शिकार हो गए। ऐसे ही मसीहा और उनके काल्पनिक खुदाओं पर आधारित दुनिया में आज के समय में लगभग 300 धर्म मौजूद हैं। सबकी अपनी कहानी, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और सबकी अपनी अपनी किताबें। हैरत की बात तो यह है कि मनुष्य की अज्ञानता के अंधकार काल में जन्मे ये सभी धर्म आज के आधुनिक और वैज्ञानिक समय में भी टिके हुए हैं। इसका मुख्य कारण है अज्ञानता के कारण इंसान के अंदर बैठा अनिष्ट का डर। पूंजीवादी व्यवस्था की अंधी दौड़ में सबको एक दूसरे को रौंद के आगे निकलना है। इस दौड़ में जो आगे है उसे और आगे पहुंचना है, जो सबसे आगे है उसे भी दौड़ते रहना है ताकि उससे कोई आगे ना निकल जाए। इस पूंजीवादी दौड़ में केवल 5% लोग ही पृथ्वी के 95% संसाधनों के मालिक बन चुके हैं और 95% लोग 5% संसाधनों से गुजारा करने पर मजबूर हैं। 95% लोगों को धार्मिक जंजाल में उलझा कर ही 5% लोग हमेशा शीर्ष पर बने रह सकते हैं। ईश्वर और धर्म के नशे में शोषित जनता कभी विद्रोह नहीं कर सकती, क्योंकि उसे व्यापक धार्मिक प्रचार माध्यमों द्वारा बचपन से ही समझाया जाता है कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम गरीब हो तो ये ईश्वर की देन है, कोई अमीर है तो उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। अज्ञानता के कारण शोषकों द्वारा पैदा किए गए धार्मिक जंजाल में फंसा मनुष्य नहीं जानता कि उसकी अज्ञानता ही उसके दुखों का और उसके शोषण का मूल कारण है। ईश्वर पर आधारित धर्मों के मकड़जाल में फंसा मनुष्य तब भी डरता था जब वह एक जंगली जानवर की तरह इधर से उधर दौड़ता फिरता था। इंसान आज भी उतना ही डरपोक है। आज के दौर में इंसान पूंजीवादी दौड़ में शामिल होकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को आतुर है। इंसान की इसी कमजोरी के कारण धर्म दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बना हुआ है। यही कारण है कि विज्ञान की उन्नति के बावजूद पुराने धर्मों की पकड़ ढीली नहीं हो पाती और नए धर्मों की उत्पत्ति का रास्ता भी हमेशा खुला रहता है। भारत की बात करें तो यहाँ लगभग हर दशक में कोई न कोई बाबा खुद को अवतार घोषित करता है। अपने व्यापक प्रचार तंत्र के माध्यम से वह अनुयायियों की अच्छी खासी भीड़ बना लेता है। इस भीड़ को देखकर भीड़ और बढ़ती है, इस तरह एक नया पंथ जन्म लेता है। अतीत के बहुत से धर्मों की शुरुआत ऐसे ही हुई है। शिरडी के साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर थे। उन्होंने खुद के अवतार होने की बात कभी नहीं की, लेकिन उनके मरते ही उन्हें अवतार घोषित कर उनके नाम पर धर्म का बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया गया। शिरडी के साईं बाबा की मृत्यु के 20 साल बाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पुट्टपर्थी गांव में एक सामान्य परिवार में जन्मे सत्यनारायण राजू ने 20 अक्टूबर 1940 को 14 साल की उम्र में खुद को शिरडी वाले साईं बाबा का अवतार बताना शुरू कर दिया। यही सत्यनारायण राजू बाद में सत्य साई के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज दुनिया के अनेकों मुल्कों में पुट्टपर्थी के इस सत्य साई के करोड़ों अनुयायी हैं। 1952 में अमेरिका के एक डॉक्टर ने धर्म और विज्ञान के घालमेल से एक नई विचारधारा को जन्म दे दिया, जिसको उसने साइंटोलॉजी का नाम दिया। उसने लोगों को बताया कि बहुत जल्द एलियन का हमला होने वाला है और इस लड़ाई के बाद वही पवित्र आत्माएं ईश्वर तक पहुंचेंगी जिनका साइंटोलॉजी में विश्वास होगा।
बाकी लोग एलियन की गुलामी करेंगे। दुनिया में इस नए पंथ को मानने वाले लोगों की संख्या 8 करोड़ से ऊपर है। पंजाब के कादियान में 1835 ईस्वी में गुलाम अहमद का जन्म हुआ। 1888 में इस व्यक्ति ने खुद के नबी होने का दावा किया, जिसे बहुत से लोगों ने सच माना और उसके अनुयायी हो गए। गुलाम अहमद ने सबसे पहले खुद को ईसा मसीह का अवतार बताया था। बाद में उसने कहा कि वो आखिरी पैगंबर है जिसे खुदा ने दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए चुना है। जीवन के अंत में इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि खुदा ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। आज गुलाम अहमद कादियानी के बनाए अकीदों पर चलने वाले लगभग 10 करोड़ लोग अहमदिया मुसलमान कहलाते हैं। इसी तरह होता है मजहबों का जन्म, ऐसे जन्म लेते हैं धर्म। अज्ञानता की जमीन पर पाखंडों और धूर्तता के खाद पानी से धर्म नामक धतूरे उगाए जाते हैं, जिनके इस्तेमाल से पशुओं से विकसित हुआ इंसान फिर से पशु बन जाता है। क्योंकि ईश्वर केंद्रित धर्मों को मानने वाला व्यक्ति सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रति कभी सजग नहीं हो पाता, वह इसे ईश्वर की माया समझकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लेता है। पूरी दुनिया में ईश्वर के नाम पर बने सभी गिरोह दावा करते हैं कि वो ही सच्चे हैं, उनकी किताबें सच्ची हैं और उन किताबों में लिखी हर बात सच्ची है। सभी धार्मिक गिरोहों ने अपनी कल्पनाओं से अजीबोगरीब ईश्वर, गॉड, खुदा और भगवानों को गढ़ लिया है और दावा करते हैं कि उनका ईश्वर ही सच्चा है। इनके अजीबोगरीब खुदाओं को मानने में बुद्धि की जरूरत नहीं है, बल्कि बुद्धि से तो इनके ईश्वर कोसों दूर भागते हैं। इनके खुदाओं का साम्राज्य कुतर्क और बुद्धिहीनता पर खड़ा है। तर्क और बुद्धि से तो इन्हें नफरत है। इनके झूठे खुदाओं पर सवाल उठाने वाले अनेकों सत्यानिवेशियों को मार डाला गया। जिस ईश्वर को सभी गिरोह सृष्टि की रचना करने वाला बताते हैं, उसी ईश्वर के नाम पर सभी गिरोह सृष्टि को बर्बाद भी कर रहे हैं। जिस ईश्वर को सभी गिरोह सबकी रक्षा करने वाला बताते हैं, उसी ईश्वर और धर्म की रक्षा के नाम पर खून की होली भी खेली जाती है। जब तक इन धर्मों का वजूद रहेगा, इंसानियत मरती रहेगी और एक दिन इंसान फिर से जानवर बन जाएगा।